हाँ सो क्या बोल रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज हम डिस्कस कर रहे थे कि जब एक अननोन रेजिस्टेंस हो और बाकी तीन नोन रेजिस्टेंस हो तब हम ये फाइंड करेंगे। ओके, तब हम ये लेंगे। अब करंट कब पास होगा, जब भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब करंट पास होगा। सो देखो यहाँ पे पढ़ो, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टर्स यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर इन टर्म्स ऑफ अदर थ्री रेजिस्टर्स। मतलब ये फोर रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट है जिसमें हम एक रेजिस्टर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर थ्री रेजिस्टर्स। डन, ओके। तो ये एक ऐसे अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर अ बैलेंस्ड ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बैलेंस्ड ब्रिज कब बोलेंगे, बैलेंस्ड ब्रिज मतलब क्या, बीच में ये गैल्वेनोमीटर है तो बैलेंस कब बोलेंगे, जब VB इज इक्वल टू VDO, क्या हो, VB इज इक्वल टू VD, मतलब V पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट D दोनों क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसके बीच में करंट फ्लो होगा क्या, नहीं नहीं होगा। सेम है तो नहीं होगा, डिफरेंट है तो होगा। अगर VB इज नॉट इक्वल टू VD, ग्रेटर देन है या लेस देन है तो करंट फ्लो होगा, ठीक है, मानते हैं। ओके, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर है। सो याद हो तो केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि गैल्वेनोमीटर को हम ऐसे सेट करते हैं जिससे कि ये डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दोनों पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। अगर VB इज इक्वल टू VD है तो इसके अंदर से करंट तो फ्लो होने वाला नहीं है, सिंपल। डन, तो बस अभी मिल जाएगा हमें ये केस, तो समझ में आ गया। ये VD इज इक्वल टू VB होगा उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड ब्रिज। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड ब्रिज। मतलब ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो सपोज ऐसा मान लो VB ज्यादा है और VD कम है, तो VB ज्यादा से VB कम की तरफ ये I1 है वो यहां भी जाता और नीचे भी आता। ओके, फिर नीचे आता तो I2 के साथ मिल जाता, तो I2 प्लस I1 होता, ये I2 प्लस I1 यहां जाता और ये I1 यहां से जाता और सब मिलके लास्ट में बना देते I। कब, जब अनबैलेंस्ड होता। तो अगर बैलेंस है तो करंट तो वहां बीच में से फ्लो करेगा ही। Then, बस तो हो गया ये। By applying KVL to the loop ADDA, देखो ADDA, ADDA में अगेन वही KVL loop apply करते हैं। हम कहां से कहां जा रहे हैं, ADDA मतलब हम ऐसे जा रहे हैं, यहां ऐसे जा रहे हैं, यहां ऐसे जाएंगे और यहां ऐसे जाएंगे। डन, ओके, चलो तो जाते हैं। सबसे पहले हमारा रेजिस्टर आ गया, हम ऐसे जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में, मतलब प्लस, तो प्लस लेंगे और वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू व्हाट, I इनटू R। I क्या है, I2, R क्या है, R ही है, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, I2 इनटू R मिल गया। अच्छा, अब दूसरे में यहाँ पे जाते हैं, भाई यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, गैल्वेनोमीटर है लेकिन यहाँ पर भी पोटेंशियल VB इज इक्वल टू VD है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर तो कुछ आएगा ही नहीं। फिर यहाँ आ जाते हैं, हम जा रहे हैं ऐसे और ये करंट आ रहा है ऑपोजिट में, तो साइन हो गई माइनस। अभी यहाँ पे भी वोल्टेज दिखना है I इंटू R, I कितना है I1, R कितना है P, तो हमने लिख दिया P, R को क्या है हमारा सिंबल P है तो हमने लिख दिया P, दैट इज इक्वल टू 0। आ गया KVL, समझ, सिंपल। तो ये हमने यहाँ पर KVL अप्लाई किया, और कहीं और अप्लाई करते हैं BCDB पे। ओके, BCDB मतलब अगेन B से C जाएंगे, फिर C से D जाएंगे और फिर यहां जाएंगे। डन, पहले ऐसे जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन देखो ऐसे ही है और हमारी डायरेक्शन भी ऐसी है, मतलब प्लस, सेम डायरेक्शन। V इज इक्वल टू IR, I कितना है I1 और R कितना है Q, तो I1 इंटू Q।